हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? मैं हूं अलीज़ा और आप देख रहे हैं अलीज़ा हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। आज आपकी लीज़ा आपके लिए बहुत ही अमेजिंग शानदार रेमेडी लेके आई है कि आप कैसे अपनी जो आई लैशेज है उसको घना, लंबा और काला कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारी जो फेस का खूबसूरत पार्ट है वो है हमारी आईज़। अगर हमारी आईज़ खूबसूरत नहीं होगी तो हमारा जो फेस है उसकी लुक अच्छी नहीं आएगी। हर इंसान चाहता है कि उसकी जो आंखें हैं वो पलकों के साथ इतनी खूबसूरत लगे, लोग उनकी तारीफ़ करें। तो जिन फ्रेंड्स की आई लैशेज थोड़ी सी कम है, घनी नहीं है, तो वो परेशान मत होएं, मेरी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, आपका जो सोल्यूशन है वो मिल जाएगा। बहुत ही ईजी रेमडी है, इस रेमडी को बनाते हैं उससे पहले। फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, इस रेमडी को बनाने के लिए हमें चाहिए क्लीन बाउल। सबसे पहले जिस रेमडी में चीज़ यूज़ होनी है वो है एलोवेरा जेल। ये हमने 1 टेबलस्पून लेना है। फ्रेंड्स, एलोवेरा जेल जैसे हमारे बालों को ग्रोथ देने के लिए सबसे अहम किरदार अदा करता है, सेम वैसे हमारी जो पलके हैं उनको भी ग्रो करने में सबसे फास्ट इसका रिजल्ट है, इसलिए मैंने 1 टेबलस्पून ये एलोवेरा जेल लिए। आप सेकेंड जो चीज़ इसके अंदर यूज़ होनी है वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है हमारी पलकों को घना, लंबा और सॉफ्ट बनाने के लिए सबसे कारगर साबित है, ये भी हमने 1 टेबलस्पून लेना है। फ्रेंड्स, इसका जो रिजल्ट है बहुत ही इंस्टेंट है, इफ़ेक्टिव है। फ्रेंड्स, इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें, ये बहुत ही अच्छा जो है वो एक सीरम रेडी हो जाएगा जो हमारी पलकों को घना, लंबा और काला करने में कारगर साबित होगा। फ्रेंड्स, ये देखें, बहुत ही अच्छा जो है वो एक सीरम रेडी हो गया है जो हमारी पलकों को इंक्रीज़ करने में सबसे बेस्ट है। अब बात आती है कि इसको अप्लाई कैसे करना है। आपने अपनी फिंगर्स को इसके अंदर डिप करना है, इस सीरम के अंदर डिप करने के बाद आपने अपनी आई लैशेज पे लगाना है। लगाने के बाद आपने 2 से 3 मिनट तक ऐसे सर्कुलर मोशन में अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है, इसको रात में आपने यूज़ करना है ताकि इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव हो और आपको भी पता चले कि इसका रिज़ल्ट क्या है। अगर आप इसे डे में अप्लाई करेंगे तो दिन में जो पोल्यूशन होता है, डस्ट होती है, वो आपकी पलकों में पड़ेगी तो उसका जो असर है वो नहीं होगा, तो आप इसे नाइट में यूज़ कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रेमेडी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक अलीज़ा के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।